हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंवल और गंडूश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंवल और गंडूश कहते किसे, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। मुखे संचारयते या तू स मात्रा कंवल स्मृता, यानी मुख में संचरण जिसका हो सके, यानी मुख में द्रव को भर के हिलाया ढुलाया जा सके जिसको आसानी से, उसको हम कहते हैं कंवल। असंचार्य तू या मात्रा, असंचार्य जिसको हिलाया ढुलाया नहीं जा सकता, उतनी मात्रा में द्रव को भरना जो है वो हम गंडूश कहलाता है। ठीक है, फिर आती है जो ये कंवल और गंडूश है, इसके बारे में अष्टांग हृदय में लिखा है असंचार्य मुखे पूर्णे गंडूश, यानी असंचार्य हो जो, यानी मुख को इतना भर ले कि हिलाया ढुलाया ना जा सके उस द्रव को, उसको गंडूश कहते हैं। कवलो अन्यथा, यानी इसके जो अलग है इसके विपरीत कवल है, यानी जिसको हिलाया डुलाया जा सके वो कवल है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कवल और गंडूश की इम्पोर्टेंस जो है वो वर्णन करते हुए, जैसे आचार्य चरक ने लिखा है कि जो नित्य तेल का गंडूश धारण करते हैं उनका जो है वो हनु बलवान होता है, स्वर उत्तम होता है, रस का ज्ञान भी उत्तम होता है, होठों का न फटना, मुख शोषणी होता उस पेशेंट को, कभी दंत का क्षय भी नहीं होता, दंत में शूल नहीं होता, दांत दृढ़ होते हैं और कठिन वस्तुओं को चबाने में भी समर्थ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हम कवल और गंडूश धारण करते हैं उससे अरोचकता, मुख विरसता, मलिनता, दुर्गंध, लाला श्राव आदि का भी नाश होता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर आते हैं इसके भेद, भेद जो हमारे कवल और गंडूश के होते हैं वो होते हैं स्नेही, शमन, शोधन और रोपण के लिए जो हम यूज करते हैं। स्नेहिक में यानी हम स्नेह द्रव्यों का यूज कर रहे हैं, तो स्नेहिक हमारा जो है वो अगर वात दोष की अधिकता यानी वातज रोग है पेशेंट को, तो हमने उसमें स्नेहिक कवल या गंडूश का प्रयोग करना है। फिर बात आती है शमन की, शमन हमने करना है अगर उसको पित्तज विकार है, तो पित्त के जो अपोजिट लक्षण है जैसे तिक्त कषाय द्रव्यों का प्रयोग करना है, शीतल द्रव्यों का, वो तो शमन के लिए आ गया। शोधन जो हम कवल और गंडूश देते हैं वो कफज विकारों में यूज करते हैं, यानी कटु है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का यूज करने अगर हम शोधन कवल और गंडूश दे रहे हैं। फिर आता है रोपण, अगर मुख में जैसे व्रण हो गए हो, मुख पाक हो गया हो, तो इन कंडीशन में जो है वो हमें रोपण कवल और गंडूश का प्रयोग करना है। इन ये जो द्रव्य होंगे ये कषाय प्रधान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारे जो इसके ये हैं कवल और गंडूश है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। जो कवल होता है जैसे हमने बताया ये होता है संचारी, कवल जो होता है हमारा संचारी, इसको मुख में हिलाया ढुलाया जा सकता है, लेकिन जो हमारा गंडूश होता है वो होता है असंचारी। ठीक है, उसके बाद हम कल्पना कौन सी यूज करते हैं, जैसे कवल है तो मेनली हम उसमें कल्प का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कवल में हम कल्प का यूज करते हैं, और जब हम गंडूश धारण कर रहे हैं उसके लिए मेनली द्रव का यूज किया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, जो कर्म भेद मेन काम क्या होता है हमारे जो कवल है उसका मेन काम होता है मुख का शोधन करना, बाकी इसके अलावा वो दोषों का शमन, स्नेहन, रोपण भी कर सकता है, लेकिन जो हमारा गंडूश होता है उसका प्रधान कर्म होता है दोषों का शमन, स्नेहन और रोपण, और अन्य कर्म के रूप में वो मुख का शोधन भी कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें जो हम कवल और गंडूश के लिए द्रव्य यूज कर रहे हैं वो कौन से द्रव्य हैं, जैसे घृत आदि स्नेह है उसका प्रयोग कर सकते हैं, गो दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, मधु और जल है जो उसका घोल है उस वो, स्वरस, मांस रस, मूत्र, कांजी, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं कवल और गंडूश के लिए। फिर आती है हमारी विधि क्या है, विधि के लिए हमने हर किसी ने पढ़ा है पहले पूर्व कर्म होंगे, फिर प्रधान कर्म और फिर पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या है, सबसे पहले हमने देखना पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो योग्य है या अयोग्य है, रोगी का देश, काल, ऋतु, साथ में उसका सत्व कैसे, उस तरीके से उसका परीक्षण करना है, संभार संग्रह करना है, यानी जैसे हम कवल के लिए जो भी औषध द्रव्य ले रहे हैं वो किसी फॉर्म में, कल्प फॉर्म में ले रहे हो, तेल की फॉर्म में ले रहे हो, घृत की फॉर्म में, मधु है, गोदूध, यानी जिस द्रव्य का भी हम कवल और गंडूश करा रहे हैं वो हमने संग्रहित करके रखना है।
ठीक है, और पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है हमें, स्नेहन स्वेदन कराना है उसको पहले। फिर आते हैं हमने प्रधान कर्म में, क्या है, व्यक्ति को मंगलाचरण करवा के निर्वात स्थान पे, जहाँ पे हवा सीधी ना लग रही हो, धूप युक्त हो, सुखासन पर बैठा देना है, उसके जो स्कंद हैं, गाल हैं, कपोल, ललाट आदि पर स्नेहन और जो स्वेदन हमने पेशेंट को करना है। फिर आता है हमने उसको जो भी हमने कवल और गंडूश के लिए द्रव्य यूज किया वो उसको दे देना है। श्रेष्ठ मात्रा में क्या है कि आधा मुख भर जाएगा उसका, मध्यम मात्रा त्रिभाग भरना है, मुख का हीन मात्रा चतुर्थ भाग भरना है, यानी वो द्रव हमने भर देना है। जो गंडूश है उसमें बोलते हैं कि एक कोल में जो द्रव्य उनका प्रयोग करना है, कवल के लिए एक कर्श तक जो है वो हमने प्रयोग करना है। पेशेंट को बोलना है जब उसने कवल या गंडूश जिस भी द्रव्य का ग्रहण किया है उसको मुख को ऊपर की ओर उठा के रखना है, औषधि को अंदर की ओर निगलना नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा विधि में ही प्रधान में धारण काल क्या है, कितने टाइम तक आपको कवल और गंडूश धारण करके रखना है, तो बोला है कि पेशेंट को तब तक गंडूश और कवल को धारण करके रखना है जब तक जो कफ है उसका मुख में ना आ जाए, जो उत्कृष्ट कफ है वो मुख में ना आ जाए और उसकी नासिका और जो नेत्र है उससे श्राव होना शुरू ना हो जाए, तब तक उसको वो मुख में रखना है। जैसे ही ये सब कंडीशन आएगी उसको त्याग कर देना है, वो कवल और जो गंडूश है उसको मुख से निकाल देना है और दूसरा कवल और गंडूश जो है वो धारण करना है। ये हमारे हो गए प्रधान कर्म में, यानी ये हमने पूरी जो विधि है वो करा ली। फिर उसके बाद हमें लक्षण देखने हैं कि सम्यक लक्षण है, हीन है या अति है। सम्यक में जैसे रोगों की शांति हो जाएगी, मुख में लघुता, निर्मलता, इंद्रियों का प्रसन्न और पेशेंट में सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। फिर आते हैं अगर हीन लक्षण होंगे तो क्या होगा, मुख में जड़ता होगी, प्रसेक, कफ का उत्क्लेश होता रहेगा, अरुचि रस का ज्ञान नहीं रहेगा पेशेंट को, मुख लिपा हुआ सा प्रतीत होगा। अतियोग में मुख में पाक, तृष्णा, अरुचि, क्लम, शोष आदि हो सकता है। फिर आते हैं हमारे जो है, यानी लक्षण हम पढ़ चुके हैं। फिर पश्चात कर्म में आता है हमारा, जैसे हमने पेशेंट को कवल और गंडूश करा दिया, उसको कवल और गंडूश कराने के बाद थोड़ा रेस्ट देने के बाद एक दो मिनट बाद जो उष्ण जल है, सुपोष्ण जल है, उससे उसको थोड़ा कुल्ला करानी है, शोधन कराना है पेशेंट को जो है वो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कुछ हम योग याद करते हैं कवल और गंडूश में जो हम यूज करते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को आप दंत हर्ष या दंत भेद के लिए करा रहे हो तो आप जो है तिल तेल और मुलेठी को दुग्ध में सिद्ध करके पेशेंट को गंडूश करा सकते हो, या फिर चतुर्विध जो स्नेह या वातग्न द्रव्यों के क्वाथ से जो है वो कवल करा सकते हो। अगर आप क्रीमी दंत के लिए किसी को कवल या गंडूश करा रहे हो तो बृहती, भूनिम्ब, एरंड, मूल, होगी, छोटी कटेरी, इनका संभाग क्वाथ लेकर तेल में यूज करके उस क्वाथ को गंडूश धारण कराना है। अगर आप दंत की स्थिरता के लिए कवल और गंडूश करा रहे हो तो दशमूल के क्वाथ को स्नेह में सिद्ध करके उसका गंडूश धारण करना है। अगर आप मुख दुर्गंध नाशक के लिए अगर आप उसको कवल और गंडूश प्रयोग करा रहे हो तो नागर मोथा, कूट, इलायची, धनिया, मुलेठी, एलोवेरा, इनको कूट कर इनको धारण करना है। या अन्य योग क्या हो सकते हैं कवल और गंडूश के लिए, खदीरा आदि तेल है, महासहचर तेल है, बकुल आदि तेल, अरिमेद आदि तेल या इरिमेद आदि तेल जो है वो हम कवल और गंडूश के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कवल और गंडूश। थैंक यू।